सिक्सर किंग युवराज सिंह ने श्रेयस अय्यर को दे दी बहुत बड़ी हिदायत। अगर इस दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह की बातों को नहीं माने श्रेयस अय्यर तो चुकानी पड़ सकती है टीम से बाहर होने की सजा। श्रेयस अय्यर को मिली थी बहुत बड़ी जिम्मेदारी पर ये खिलाड़ी रहा नाकाम। युवराज सिंह ने ट्वीट करके श्रेयस अय्यर को आड़े हाथों लिया। केएल राहुल और विराट ने अगर नहीं बचाई होती लाज तो डूब जाती टीम की नैया। बस यही दोनों खिलाड़ी बने टीम के खेवैया। सुमन गिल के बीमार होने की वजह से खिलाए गए ईशान किशन का बल्ला भी हो गया खामोश। फिर भी जिम्मेदारी नहीं समझ पाए श्रेयस अय्यर, बिना रन बनाए चलते बने। भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह ने मध्य क्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को आड़े हाथों ले लिया है। अय्यर रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप 2023 मैच में शून्य पर पवेलियन लौट गए। मुश्किल हालात में चौथे नंबर पर आए अय्यर भारतीय टीम को काफी उम्मीदें थी लेकिन वो टिकने में नाकामयाब रहे। युवराज का कहना है कि नंबर चार बल्लेबाज का लापरवाही नहीं बरतना चाहिए बल्कि उसमें दबाव झेलने का मद्दा होना चाहिए ताकि टीम को लड़खड़ाने से बचाया जा सके। उन्होंने अय्यर की जगह केएल राहुल को उतारने की सलाह दे दी। युवराज ने इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई टीम को चेताया कि विराट कोहली जैसे खिलाड़ी का कैच छोड़ना उन्हें भारी पड़ सकता है। कोहली जब 12 के निजी स्कोर पर बैटिंग कर रहे थे तब मिचेल मार्श ने उन्हें जीवन दान दिया था। युवराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, नंबर चार के बल्लेबाज को दबाव झेलना होगा। श्रेयस अय्यर से बेहतरीन थिंकिंग की उम्मीद है। जब टीम अपनी पारी दोबारा खड़ी करने की कोशिश कर रही हो अभी तक ये समझ नहीं पा रहे कि केएल राहुल को क्यों नंबर चार पर बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजा जा रहा। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ शतक बनाया था। विराट कोहली का कैच छोड़ने की ऑस्ट्रेलिया को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। किंग मैच जिता सकता है, गेम ऑन। 200 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। शुभमन गिल के बीमार होने की वजह से प्लेइंग 11 में शामिल किए गए पहले ओवर में मिचेल स्टार्क के शिकार बन गए, उनका खाता नहीं खुला। इसके बाद जोश हेजलवुड ने दूसरे ओवर में भारत के 2 विकेट झटक दिए। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को LBW किया जिन्होंने 6 गेंद खेलकर खाता भी नहीं खोल पाए। वहीं ओवर की अंतिम गेंद पर अय्यर ने डेविड वार्नर को कैच थमाया। भारत ने 2 के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे।